क्वेश्चन का एक ही है, एक ही क्वेश्चन। देखिए कोई भी क्वेश्चन हमको पता है, बट फिर भी अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पहले हमको क्या समझना है क्वेश्चन का, डिमांड। क्वेश्चन को क्या समझना है, डिमांड। और पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पे नहीं टूट पड़ेंगे। पहला दो मिनट हम इन्वेस्ट करेंगे इसको समझने में। ओके जी, हमारे पास 25 मिनट के आसपास है, तो अभी भी 23 मिनट होगा। क्वेश्चन समझ में आएगा, मैं आपको देता हूँ 20 मिनट में लिख दीजिएगा। अब आप कहेंगे कि भैया मैं कैसे समझूं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कीवर्ड। इसमें कीवर्ड क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। कीवर्ड क्या है, फूड एंड। क्वेश्चन तो यही है इसी का, तो कीवर्ड मेरा क्या हो गया, अब मतलब शुरुआत मेरी अभी इससे होगी। क्वेश्चन का कहाँ घूम रहा है, किसके अबाउट, तो मेरे को इंट्रोड्यूस किससे करना है। तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि क्वेश्चन में मुझे शुरुआत कहाँ से करना है। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशन। दूसरा, is being undermined the effects of COVID-19 pandemic, COVID-19 pandemic. दूसरा, climate change. तीसरा, rising food inflation. चौथा, conflict and inequality. अब कितना है क्वेश्चन मेरा, उसमें कह रहा है क्रिटिकली एनालिसिस, मतलब हर का मुझे दोनों साइड दिखाना है, समझ गए। अब एक स्टेप और अहेड जाना है, आप लोग मेंस लिख रहे हैं, ऐसे जनरली हम ये 20वें-25वें दिन बात करते हैं बच्चों से आंसर राइटिंग में, लेकिन आप लोग के पास समय नहीं है तो आज से ही यही काम कीजिए। अब आपको कैसे पता कि मुझे इन सब क्वेश्चंस में कितना मार्क्स एलोकेटेड है, कितना लिखना है। अभी तो मन पे चल रहे हैं आप, जहां मूड खत्म हो गया वहां रोक दिए, या जिसमें मान ली एक में बहुत बड़ा है तो खूब लिख दिया और दूसरे में छोटा है। सर अभी तो ये रहता है कि कैसे कंप्लीट करना है आपको, आपको तो दिमाग में कि बस पेज भर देना है। तो अब देखिए उसका भी आज बोझ मैं हल्का कर दूंगा। तो हमारे पास हमारे मार्क्स कितना है, 38। तो क्वेश्चन मेरा टोटल कितना है, 4, 5, 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 5
8 मार्क्स पेज कितना है मेरे पास? 34. मतलब हर एक पार्ट के लिए मुझे कितना देना है? 3/4 यही देना है ना? इसका इतना पार्ट 3/4 अब मैंने 2 मिनट में काम कर लिया. अब हमको एक ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है तो हमको 3/4 ही पेज में निकालना है. और मान ले किसी में मेरा बहुत पॉइंट है तो हमको मोस्ट